बताओ, अब्दू ने अर्चना का नाम लिया, नाराज अर्चना से था, सौंदर्य से था, एमसी से था, मतलब इन दोनों का या कुछ अलग से कुछ बॉन्ड है? और रूठ ना मनाना बिग बॉस के अंदर होता था, आपने वो भी देखा है, हाउस के अंदर भी दिखता था। अभी हमने बोला थे हम चेंज नहीं होंगे, तो हम वैसे ही है पागल लोग जो छह लोग थे, एक दूसरे की खिंचाई करते थे फिर मनाते थे। सिर्फ अभी चीज़ें होती है, उसका गुस्सा अंदर नहीं रह सकता है। गुस्सा मतलब कुछ छोटी सी बात हुई होगी, मुझे पूरी बात पता नहीं, बट वही चीज़ सिर्फ सबके सामने आ रही है। और मुझे लगता है ना कि कभी कभी होता है कि अंदर लोग अलग होते हैं बाहर अलग, तो ये वही नेचुरल लोग हैं जो गुस्सा या फिर रूठना मनाना छुपा नहीं सकते, जता देते हैं और वो अभी बाहर चला गया। मुझे लगता है 2-3 दिन में आपको पता चलेगा कि वो फिर से हो गए, लव यू ब्रो, लव यू एमसी, वो अब्दू को बोलेगा, ये हो जाएगा। ये छोटी सी चीज़ है सच्ची में, ट्रस्ट में। अभी यार इसमें ना कुछ चीज़ें मुझे पता है, कुछ पता नहीं है। जस्ट मैं फ़ोन और मैसेज पे बात किया है कि तू ठीक है, उसने बाद में कि मैं ठीक हूँ, अभी पुणे का हुआ है, अभी थोड़ा फ्री हो जाऊँगा तब मिलूँगा, तब मिलने के बाद मुझे पता चलेगा। बट मुझे लगता है कि कोई कोई चीज़ें ना जस्ट एज अ आर्टिस्ट देखनी चाहिए, और बाकी सब चीज़ें बाजू में करके, मुझे पता नहीं है बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट मेरे दिल में मैं बोल देता हूँ, कोई भी चीज़ें आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट को आर्टिस्ट की तरह देखो और अप्रिशिएट करो, बात खत्म। आप, मैं कब से देख रहा हूँ, आप निमृत कौर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, मैं गाड़ी में भी था निमृत कौर। अरे हाँ, सब लोग काम कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो पर्सनली आप, और मैं आपको निमृत मैम से ज़रूर मिलाऊंगा, और जहाँ पे भी फ्री रहेंगे आप ज़रूर मिल के आओ। हम लोग तो बात करते रहते सब लोग मंडली, पर आप सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हो। अभी प्लीज़ मेरे चाय पे फोकस करो यार। और इतना मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मंडली नहीं टूटी है, कुछ नहीं हुआ, घर होता है, घर में छोटी मोटी बातें होती है और थोड़ा सा गुस्सा होता है, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। ये चीज़ मैं बताऊँगा आराम से, अभी फोकस करो मेरी चाय पे। एयरपोर्ट पे स्पॉट पे तो उन्होंने कहीं ना कहीं एमसी स्टैंड का जिक्र किया और वो नाराज।